बंदर की माँ भालू। चिंटू एक छोटा सा बंदर का बच्चा सांप के बिल के पास खेल रहा था। तभी उसकी माँ सांप को देख लेती है। वो चिंटू को आवाज देने लगती है, बेटा चिंटू, अरे वो बेटा चिंटू, हट जाओ वहां से, वहां पर जहरीला सांप है, वो तुम्हें काट लेगा बेटा, दूर हो जाओ। माँ तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ तुम ही यहाँ आ जाओ। माँ की आवाज चिंटू को सुनाई नहीं देती। माँ बहुत ही डर जाती है। वो बिना समय गवाए अपने बच्चे को सांप से बचाने के लिए जाती है। जहरीला सांप चिंटू को काटने ही वाला था कि माँ बीच में आती है। सांप चिंटू को काटने के बजाय माँ को काट कर चला जाता है। सांप के काटते ही माँ नीचे गिर जाती है। तब चिंटू माँ के पास जाकर रोते हुए कहता है, माँ माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी थी, माँ मुझे माफ कर दो। चलो माँ मेरे साथ वैद्य के पास चलते हैं, वो तुम्हें ठीक कर देगा। माँ नहीं बेटा, अब इतना समय नहीं बचा मेरे पास। बेटा अपना अच्छे से ख्याल रखना, सबसे मिलजुल कर रहना बेटा, मैं चलती हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर माँ अपनी आंखें बंद कर लेती है। चिंटू की माँ का देहांत हो जाता है। चिंटू आक्रोश के साथ अपनी माँ के लिए रोने लगता है। तब बंदरों का झुंड वहाँ आकर चिंटू की माँ का अंतिम संस्कार कर लेते हैं और चिंटू को सहारा देते हैं। पर अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। चिंटू अपने बाकी के साथी बंदर को अपनी माँ के साथ देखकर वो सोचता है, आज मेरी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। आज के बाद मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। मैं अनाथ हो गया। मेरी गलती की कितनी बड़ी सजा मिली मुझे। मैं मेरी माँ के बगैर कैसे जीऊंगा। चिंटू अपनी माँ को याद कर करके रोते रहता है। वो बंदरों के झुंड में तो था पर बहुत ही अकेला था। चिंटू को न खाने के लिए कुछ था और ना कोई ख्याल करने वाला उसके पास था। कुछ दिन बीत जाते हैं। भूखा चिंटू पेड़ पर बैठा था। तब भूख के मारे चिंटू मादा भालू के पैरों के नीचे चक्कर आकर गिर जाता है। तब मादा भालू कहती है, अरे चिंटू बेटा, अरे चिंटू क्या हुआ, उठो बेटा उठो, लगता है ये तो बेहोश हो गया है, भूखा है शायद ये। मादा भालू चिंटू को लेकर अपने घर आती है। उसे होश में लाकर उसे अपना दूध पिलाती है। दूध पीते ही चिंटू को अच्छा महसूस होने लगता है। मादा भालू चिंटू का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। तब चिंटू रोते रोते भालू को अपनी माँ की बात बताता है और जोर जोर से रोने लगता है। तब मादा भालू कहती है, बेटा चिंटू ऐसे मत रो, मैं हूँ ना, आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ। अब तुम कभी भी खुद को अनाथ मत समझना, समझे। चिंटू खुशी से भालू के गले लगता है। तब वहाँ भालू का बेटा राजू आता है, जो चिंटू को माँ के गले लगते हुए देख लेता है। तब उसे चिंटू पर बहुत गुस्सा आता है और वो चिंटू को दूर करते हुए कहता है, अरे चिंटू ये मेरी माँ है, तुम यहाँ बीच में कैसे आ रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तब मादा भालू राजू को सारी हकीकत बताती है। तब जाके राजू को भी चिंटू पर बहुत दया आती है और वो कहता है, सॉरी चिंटू, आज से हम दोनों भाई भाई हैं, चलो हम खेलने चलते हैं। राजू और चिंटू दोनों भी भाई बनकर एक साथ खेलने लगते हैं। मादा भालू चिंटू और राजू का एक जैसे ख्याल रखती है, उन दोनों में कभी भी कोई फर्क नहीं करती। एक बार तालाब के किनारे वो दोनों खेल रहे थे कि राजू तालाब में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था, वो मदद के लिए चिल्लाता है। चिंटू तुरंत पानी में उतर जाता है और राजू से कहता है, अरे राजू मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें किनारे तक ले जाता हूँ, घबराओ मत। वो दोनों भाई तालाब के किनारे आने की कोशिश करते रहते हैं कि तभी वहाँ सियार आता है। वो उन दोनों के हालत का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो कहता है, अरे वाह, ये दोनों बच्चे तो पानी में फंसे हुए हैं, मैं उनको कच्चा चबा जाऊंगा, बिना मेहनत के दो दो शिकार मिल गए आज तो।
सियार उन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि तभी मादा भालू वहां आती है और सियार को पीट पीट कर वहां से भगा देती है। तब तक चिंटू और राजू भी किनारे आ जाते हैं। तब चिंटू कहता है, माँ तुमने मुझे फिर से बचा लिया, तुम्हारा ये उपकार बहुत बड़ा है माँ। अरे चुप कर चिंटू, ऐसे माँ के प्यार को उपकार थोड़ी ना कहा जाता है। उपकार मानना ही है तो वो तुम्हारा मानना चाहिए। तुम्हारी वजह से तो मैं पानी में डूबने से बचा हूँ। मेरे दो अनमोल रतन है, मेरे आंखों के तारे, तुम दोनों को ना किसी की नजर ना लगे। मादा भालू राजू और चिंटू को खूब खूब आशीर्वाद देती है। चिंटू के मन में लगे सारे घाव भर जाते हैं। चिंटू को माँ और भाई का प्यार एक साथ मिल जाता है और उसका परिवार पूरा हो जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। नन्ना सुअर और शेर। एक बहुत ही घना जंगल था, वहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। पर एक बार किसी दूसरे जंगल से एक खूंखार शेर आता है। वो बहुत ही बेरहम था, वो कभी भी किसी का भी शिकार करके उसे मारता था, जिस वजह से सारे जानवर बड़े डर जाते हैं। और खुद की जान बचाने के लिए वो जंगल की दूसरी ओर पहाड़ पर जाकर रहने लगते हैं। उसमें एक नन्ना सुअर भी रहता है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ ये हम किस जगह आ गए, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों ना माँ हम अपने पुराने वाले जंगल में जाए। बेटा वहाँ जाने की बात भी मत सोचना, क्योंकि वहाँ खूंखार शेर है। या खाने के लिए कुछ ना हो, पर हम कम से कम जिंदा तो है ना, तो मेरी बात ध्यान में रखना और कभी भी उस जंगल की तरफ जाने की सोचना भी नहीं, समझे। नन्ना सुअर माँ की बात सुनकर वहां से अपने दोस्त बंदर से मिलने जाता है। सुअर और बंदर दोनों भी बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों एक साथ खेलते और साथ में ही पेड़ के फल तोड़कर खाते थे। उस दिन वो दोनों खेलकर थक गए थे, उन्हें बहुत भूख भी लग रही थी। तब सुअर बंदर से कहता है, अरे बंदर तुम वही फल खाकर उब नहीं गए, मुझे तो अब कुछ नए फल खाने का मन कर रहा है, क्यों ना हम जंगल चले जाए। अरे नहीं सुअर, हम जंगल नहीं जा सकते, वहां तो खूंखार शेर है, उसने हमें देखा तो हमें वो जान से मार डालेगा। मेरी माँ ने तो मुझे साफ साफ मना किया है वहां जाने के लिए, और हाँ मुझे शेर से बहुत डर भी लगता है। वो तो मेरी माँ ने भी मना किया है, पर हम उन्हें बताकर थोड़ी ना जाएंगे। चलो दोस्त, आज फल खाने के लिए ही हम जंगल जाते हैं, और मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या बात है, हम वहां से अपनी अपनी माँ के लिए फल भी तो लाएंगे ना, उन फलों को देखकर माँ गुस्सा भी भूल जाएगी। सुअर ऐसा कहकर बंदर को अपने साथ जबरदस्ती जंगल ले जाता है। वो दोनों जंगल में फलों से भरे पेड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बंदर तो रसीले और मीठे फल देखकर अपना डर ही भूल जाता है। वो दोनों पेड़ से फल तोड़कर खाने लगते हैं। फल खाने की वजह से वो दोनों सुस्त हो जाते हैं और वही सो जाते हैं। तभी वहाँ खूंखार शेर आता है। सुअर और बंदर को देखकर वो कहता है, अरे वाह आज बंदर और सुअर एक साथ, कितने दिनों के बाद ऐसा शिकार मिला, आज तो दावत ही दावत है। ऐसा कहकर शेर हंसने लगता है कि तभी वो दोनों जाग जाते हैं। सामने शेर को देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं। तब बंदर धीरे से सुअर के कान में कहता है, अरे सुअर देखा शेर है आगे, अब तो हम मारे गए समझो, मैंने कितना कहा था कि यहाँ नहीं आते, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। बंदर ऐसे सुअर के कान में गुदगुदाता है। तब सुअर बड़ी ही हिम्मत करके शेर से कहता है, अरे शेर हम नन्हे मासूम जानवरों को खाकर तो तुम्हारे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा,
मैं तुम्हें बड़े बड़े जानवरों के पास ले जाऊंगा जंगल के, लेकिन हमें छोड़ दो। बड़े जानवरों की बात सुनकर शेर के मन में लालच आ जाती है और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन अभी के अभी चलो। नहीं नहीं शेर, हम अभी वहां नहीं जा सकते, अभी वो सब खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होंगे। रात के समय में वो सब अपने अपने घरों में आते हैं, तब तुम्हें मैं वहां ले जाऊंगा, तब तक हम यहां से जाते हैं। सुअर बंदर के साथ वहां से जाने लगता है, पर तभी शेर उन्हें रोकते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं कि तुम वापस आओगे? वो कुछ नहीं, जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक तुम्हारा दोस्त बंदर मेरे साथ रहेगा। शेर बंदर को रोक देता है। सुअर जंगल से थोड़ी दूरी पर जाता है, उसे वहाँ एक दलदल दिखाई देती है। उसके दिमाग में फौरन एक प्लान आता है और वो सोचता है, अरे शेर को तो इस दलदल के बारे में पता भी नहीं होगा, इस दलदल के ऊपर झाड़ियाँ बिछा देता हूँ और रात को इसी जगह से शेर को ले जाता हूँ, तब शेर इस दलदल में फंस जाएगा और सारे जानवरों की जान भी बच जाएगी। सुअर ऐसा सोचकर उस दलदल के ऊपर झाड़ियाँ बिछा देता है। रात हो जाती है, उधर बंदर और सुअर घर न आने की वजह से पहाड़ पर सारे जानवर परेशान हो जाते हैं। वो सारे जानवर बंदर और सुअर को ढूंढने निकलते हैं। तो सुअर शेर के पास जाकर उसे उस जगह तक लाता है। उस जगह आते ही सुअर शेर से कहता है, अरे शेर, अगर हम इस रास्ते से गए तो हम पहाड़ पर जल्दी पहुंच सकते हैं। आप आगे चलिए, हम आपके पीछे रहते हैं। सुअर की बात सुनकर शेर आगे चलने लगता है, पर तब वो झाड़ियों से दलदल में गिर जाता है। वो दलदल में फंसते ही जाता है, मदद के लिए चिल्लाने लगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। तब तक वहाँ सारे जानवर भी पहुँच जाते हैं। शेर को दलदल में फंसा देख उन्हें बहुत खुशी होती है। इस तरह से वो शेर उसी दलदल में फंस कर मर जाता है और उस दिन के बाद से सारे जानवर फिर से एक बार जंगल में आकर खुशी खुशी से रहने लगते हैं।